बात है, ये इतना बड़ा सानिया है कि इस वक्त हम सब शर्मिंदगी फील कर रहे हैं एज ए बलूचिस्तानी, इतना बड़ा मसला हुआ। ये कोई इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। हम सब ने जो स्पीकर साहब ने जो कमेटी बनाई, आज उसका मीटिंग हुआ, उसमें सिर्फ हमने चेयरमैन को मुंतखब करना था, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ती। दो दोस्त हमारे यहाँ पर थे नहीं, क्योंकि ये बे इंतहा, जिस तरह दोस्त खुद फरमा रहे हैं कि अहमियत, बहुत ही अहमियत का कमेटी था, उसका चेयरमैन आज मुंतखब होने जा रहा था, तो उसमें सबकी नुमाइंदगी और सबकी मुशावरत लाजमी थी। दो दोस्त हमारे मौजूद नहीं थे, उनसे रबता किया गया तो उन्होंने भी यही कहा कि इसको पोस्टपोन किया जाए, हमारी कुछ मजबूरी के तहत आज हम यहाँ नहीं आ सके, तो एक आध दिन के बाद दोबारा इस मीटिंग बुलाकर इसको हल कर दिया जाएगा, चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा और कमेटी अपना काम शुरू कर देगा। इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि हमने सारी ज़िंदगी यहाँ पर सियासत करना है, ये सियासत चलता रहेगा, अपोजिशन भी इकतदार भी, कम से कम इस वाक़े पे हमें सियासत नहीं करना चाहिए। मैं ये गुजारिश करूँगा, ना हमारी कोई नीयत है, ना हम कोई इस तरह खुदा ना खास्ता इस को मशक करने जा रहे हैं। हमारी यही ख्वाहिश है कि ये बहुत बड़ा वाक़या है, लाजमन हकीकी तौर पे जिन लोग जो लोग भी मुलव्वस हैं उनको ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा भी सही।